Yes, students. Question number 2, exercise number 16.3. बेटा बहुत important question है. इस question में समझो कि एक doctor है जिसको अपने patient को देखने जाता है. तो अगर उसके पास जाने के साधन है, ट्रेन है, बस है, स्कूटर या फिर कोई और साधन, तो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेन से जाने के चांसेस है 3/10, यानी वो डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने जाएगा और ट्रेन से जाएगा इसके चांस कितने 3/10, और बस से जाएगा इसके चांसेस है 1/5, स्कूटर से जाएगा इसके चांस है 1/10, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कोई और साधन यूज करेगा इसके चांसेस है 2/5. ये डेटा आप कहां से लाए? क्वेश्चन में गिवन है. वापस समझ लो, डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने जा रहा है, देखने अगर वो ट्रेन से जाएगा इसके चांस है 3/10, बस से देखने जाएगा इसके चांस है 1/5, स्कूटर से जाएगा इसके चांस है 1/10, और किसी और ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा या किसी और वाहन को यूज करेगा इसके चांसेस है 2/5. अब पास्ट डेटा ये कहते हैं कि वो डॉक्टर अगर इवन ए अपॉन इवन, ए का मतलब रीच लेट, वो लेट पहुंचा, अगर उसने ट्रेन यूज की और वो लेट पहुंचेगा इसके चांसेस है 1/4. देखो यहां क्या लिखा है, ए अपॉन इवन, इसका मतलब ये काम हो चुका है, मतलब ट्रेन यूज कर ली है उसने, अब वो लेट होगा इसके चांस कितने 1/4. ये क्वेश्चन में गिवन है. लेकिन अगर उसने बस यूज की है, E2 है ना, E2 का मतलब क्या, बस यूज की है, बस अगर यूज किया है और वो लेट होगा इसके चांस कितने 1/3, और अगर स्कूटर यूज किया है उसने E3, E3 मतलब बाय स्कूटर, अगर उसने स्कूटर यूज किया है और वो लेट होगा इसके चांसेस है 1/2 है. लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और ट्रांसपोर्ट का साधन उसने यूज किया है यानी E4, तो ये का यूज किया है और वो लेट होगा इसके चांस है, बिल्कुल लेट नहीं होगा, लिखा हो लेट नहीं होगा, मींस अगर वो किसी और साधन से जाता है तो लेट होने के चांस कितने 0. ये प्रीवियस डेटा है. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई लेट तो हो चुका है, मतलब ये काम हो चुका है, उसको अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेट तो हो चुका है, अब ये पता लगाओ कि वो ट्रेन से आया था, ये इसके कितने चांसेस है, यानी इवन अपॉन इवन को फाइंड करना है. बेस पर हम ये पढ़ेंगे, चलेगा सब कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन इनटू इवन, इवन यानी इसको रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेन यूज करेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इवन इनटू ए अपॉन इवन प्लस E2 into A upon E2 plus E3 into A upon E3 plus E4 into A upon E4. ये इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास बेस पर के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा. वैल्यूज होते सारे PE1 यानी कि ट्रेन यूज की उसने 3/10 इंटू ए अपॉन इवन 1/4, यहां पर 3/10 इंटू 1/4 प्लस E2 1/5 है ना, इंटू ए अपॉन E2 1/3 प्लस PE3 1/10 इंटू ए अपॉन E3 1/12 प्लस E4, प्रॉपर्टी ऑफ E4 कितना है 2/5 और ये इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा. अब इसमें देखो, यहां पर देखो ये कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लें या फिर आप चाहो तो एंसर ले लो, ज्यादा बेटर ये रहेगा. पहले सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर 10 है, यहां 5 है, यहां 5 है, वो तो 0 हो गया. आप चाहो तो इसमें से 1.5 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व करो. अब एलसीएम भी बेटर रहेगा, 3/3 ये कितना हो गया 40, ये हमारे पास 3/40 प्लस 1/1 कितना हुआ 15 प्लस 1/1 ये हो गया 120 प्लस ये तो 0 हो गया, तो छोड़ते हैं इसको. दिस इक्वल्स टू ये हमारे पास 3/40. अब देखो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है 120, 120 40 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा
3 इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 9 प्लस 15 को करोगे कितना 8 टाइम्स 8 1 से करेगा 8 आ जाएगा ये तो सेम ही है तो ये 1 हो गया आगे बढ़ो इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 40 इनटू ये इसका उल्टा करो वैसे फ्रैक्शन हो जाएगा 120 अपॉन ऐड करो इसको 10 और ये 18 अब देखो 0 से 0 4 बनता है 4 4 3 जा 12 3 बनता 3 3 6 जा और ये 3 2 जा आंसर कितना है 1 बाय यानी कि उस डॉक्टर ने लेट हुआ है वो डॉक्टर लेट हुआ और उसने ट्रेन यूज की थी इसके चांस कितने 1 बाय 2 इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसकी वैक्टर कितनी है कि उसने ट्रेन यूज की है यानी ट्रेन से आया इसके चांस कितने 1 बाय 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक बार आपको समझो एक डॉक्टर है अपने पेशेंट को देखने जाना है उसको अगर वो ट्रेन से जाता है तो उसके ट्रेन यूज करने के चांसेस कितने हैं यानी वो डॉक्टर ट्रेन से जाएगा इसके चांस कितने हैं 3 बाय 10 बस से जाएगा इसके चांस कितने हैं 1 बाय 5 स्कूटर से जाएगा कितने चांस है 1 बाय 10 और अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा उसके कितने चांस है 2 बाय 5 ए का मतलब है रीच लेट यानी लेट पहुंचा है अब ए अपॉन ई1 इसका मतलब ये हुआ ट्रेन यूज की है और वो लेट होगा इसके चांस 1 बाय 4 स्कूटर यूज की बस यूज की है और वो लेट होगा इसके चांस 1 बाय 3 स्कूटर यूज किया है और लेट होगा इसके चांस 1 बाय 12 और कोई और साधन यूज किया है और लेट होगा कितने चांस है 0 बिल्कुल लेट नहीं होगा अब हमारा क्या करना है निकालना क्या है लेट हो चुका है इट इज गिवन क्वेश्चन और उसने ट्रेन यूज की थी इसके कितने चांसेस है तो बेस पर का फार्मूला लगा दिया वैल्यू रखी सॉल्व किया इसका आंसर आया स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छे ढंग से करें पहले पता लगाएं बेस प्रॉब्लम लग रही है नहीं लग रही है उसके बाद जो डेटा है उनको एक साथ लिस्ट बनाएं और फॉर्मूले यूज कर लें अपने पास आंसर बड़े आराम से आ जाएगा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट